उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अखिल भारतीय महात्मा गांधी विचार मंच के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बलिदान दिवस मनाया। अखिल भारतीय महात्मा गांधी विचार मंच पिछले 26 वर्षों से लगातार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बलिदान दिवस मनाता आ रहा है, जिसमें राव असलम गांधी ने कहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधाराओं से जुड़े लोगों को कहा है कि वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधाराओं को जन जन तक पहुँचाकर देश की साझी विरासत को मजबूत करने का काम करे। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का बलिदान दिवस है। अखिल भारतीय महात्मा गांधी विचार मंच पिछले 25-26 सालों से गांधी जी के हर प्रोग्राम को मनाता चला रहा है, लेकिन मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ कि जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देश की साझी विरासत को मजबूत करने का जो सपना देखा था, काश वो भी देश की साझी विरासत को मजबूत करने का सपना देखें और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जो सपना देखा उसे पूरा करने का काम करें। मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाकर इस देश की साझी विरासत को मजबूत करने का काम करें। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का शहीदी दिवस मना रहे हैं। गांधी जी ने अपने आंदोलन गांधीवादी तरीके से किए, हम भी उसी तरह अपनी किसी मांग को लेकर अपने आंदोलन करें और हमेशा उनको याद करें। मैं बस यह अपील करता हूं अपने भारतवासियों से कि इस भारत में हम सब बराबर हैं, ना यहाँ कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, हम सब भारतवासी हैं। मुजफ्फरनगर की जानसठ तहसील के गांव जोली में रविवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने भारी फोर्स के साथ पहुंचकर लगभग 115 बीघे सत्तू संपत्ति को कब्जा मुक्त कराया। प्रशासन की इस कार्रवाई से कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। जिस जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया उस जमीन पर बरसों से कर्जी कर रहे सवाब हैदर की माने तो उसके पास जमीन का बैनामा भी है और हाईकोर्ट ने इस जमीन पर स्टे भी दिया हुआ है, लेकिन अधिकारियों ने उसकी एक न सुनी और रविवार को खड़ी फसल की जमीन पर प्रशासनिक अधिकारियों ने जबरदस्ती अपना कब्जा कर सत्तू संपत्ति का बोर्ड लगा दिया है। सत्तू संपत्ति नहीं है, वैसे हाईकोर्ट में भी इसका स्टे हो गया है 3 महीने के लिए, निस्तारण करें वो कलेक्टर को लिख दिया है। जबरदस्ती है इनकी और क्या है प्रशासन की, काफी मात्रा में सत्रु संपत्ति है, करीब 7 हेक्टेयर सत्रु संपत्ति घोषित हुई थी, लेकिन अभी तक दूसरे लोगों का कब्जा चल रहा था। आज पूरी फोर्स और तहसील की टीम आकर सत्रु संपत्ति को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है। इसका हाईकोर्ट से राहत मिली है, हाईकोर्ट का माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की कापी मुझे उपलब्ध कराएं, उनको जो भी माननीय उच्च न्यायालय का आदेश रहेगा उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के सहकारी समिति का 4 वार्डों का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराया जा रहा है, जिसमें कुल 9 वार्ड आते हैं। 5 वार्डों के सदस्य निर्विरोध रूप से चुन लिए गए हैं और अन्य 4 वार्डों के सदस्यों के लिए चुनाव प्रतिक्रिया चालू है। वहीं सभी प्रत्याशियों ने मतदान स्थल पर मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट करने की अपील शांतिपूर्ण ढंग से की। उत्तर प्रदेश के जिला शामली कैराना कोतवाली के मोहल्ला आर्यपुरी में मुखबिर की सूचना पर लाखों की कालेबाजारी से जमा किया गया गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल आदि सामग्री को प्रशासन द्वारा छापेमारी करते हुए सील कर एक आरोपी को प्रशासन ने गिरफ्तार करा आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मौके से भारी मात्रा में कालाबाजारी से जमा किए गए गेहूं, चावल और मिट्टी के तेल को जब्त कर लिया गया है। अभी कुछ देर पहले मुझे घंटे पहले सूचना मिली थी कि कर्नाटक के अंतर्गत आर्यपुरी मोहल्ला है, वहाँ पर किसी के घर में घेर में कुछ राशन की कालाबाजारी की जा रही है, सरकारी जो राशन पर कालाबाजारी की जा रही है, उसके संबंध में सूचना मिली तो मैंने सप्लाई इंस्पेक्टर और नायब तहसीलदार को भेजा मौके पे, उनकी दुकान और राशन के बोरे मिले, जांच की जा रही है और कुछ ड्रम मिले, मिट्टी के तेल के ड्रम मिले, सभी को सीज कर दिया गया है और संबंध में जांच की जा रही है। वहाँ पे एक व्यक्ति पकड़ा गया है कि उस पर कार्रवाई की जा रही है, उससे पूछताछ की जा रही है और संबंधित जो भी इसमें दोषियों को एफ आई आर दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है।